नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो विषय है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतने बदतमीज क्यों हैं। आज की जो पीढ़ी है वो इतनी बदतमीज क्यों है जो अपने माता पिताओं को और बड़े लोगों को जवाब देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट था वो मेरे जहन में आ जाया। हुआ यूं कि मैं स्कूल में था और एक गार्जियंस आए और उनसे मैं बातचीत करने लगा, तो उन्होंने ये प्रश्न मुझसे ये कहा कि बच्चे इतने बदतमीज हो गए हैं आजकल के, तो ये क्यों हो गए। तो मैंने कुछ संक्षिप्त में उनको बताया भी और फिर मेरे एक दिमाग में आया कि इसका मैं एक वीडियो बनाऊं, सब लोगों को ये चीज़ बताऊं कि ये बच्चे हमारे इतने बदतमीज क्यों हो गए। तो देखिए, बच्चे यहाँ पर बदतमीज नहीं होते, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं तो बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है हर एक चीज़ को जानने की। वो ये जानना चाहते हैं ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। वो दुनिया के बारे में भी जानना चाहते हैं, अड़ोस पड़ोस के बारे में भी जानना चाहते हैं, जो वो टीवी में देखते हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है। जो वो समाज में जो उनके बड़े लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या मिलता है हमको। तो ये सारी प्रश्न वो अपने माता पिताओं से पूछते हैं, बड़ों से पूछते हैं। जब उनको अपनी जिज्ञासा, जब उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती है तो वो मोबाइल, आजकल मोबाइल्स चल गए हैं तो आईफोन चल रहे हैं, तो वो उन जिज्ञासाओं को आईफोन के जरिए शांत करना चाहते हैं, मोबाइल्स फोन यूज करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये सोच देखते हैं और कि हम लोग आरोप भी लगा देते हैं दूसरे के ऊपर कि वो व्यक्ति बहुत ही खराब है। तो इसी प्रकार से हम अपने बच्चों पर भी एक तरह का आरोप लगा देते हैं कि ये बच्चा बहुत बदतमीज है, मेरे बच्चे बहुत बदतमीज है, मेरा कहना नहीं मानते हैं, मुझे जवाब देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सब पे किसी के ऊपर आरोप लगा देना बहुत सरल होता है, लेकिन हम कैसे हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। माता पिताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, हमारे अंदर ज्ञान कितना है जो हम अपने बच्चों को दे सकें। क्योंकि बच्चे तो पूछेंगे और बच्चे उस प्रश्न का जो आंसर है वो अपने माता पिताओं से ही जानना चाहेंगे। अगर आप के पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो वो उनके माइंड में ये हो जाएगा कि मेरे माता पिता तो कुछ जानते ही नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि हमें अगर अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देनी है तो उससे पहले हमें ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमारे पास भी होनी चाहिए। अगर हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हम दूसरों को दे भी नहीं सकते। जो कुछ भी हमारे पास होगा, जितना ज़्यादा मेरे पास होगा उतना ज़्यादा हम दूसरों को दे सकते हैं, और मेरे पास जब कुछ ही नहीं होगा तो हम किसी को भी कुछ नहीं दे सकते हैं। यही जो फार्मूला है वो यहाँ पर फिट बैठता है कि अगर माता पिताओं के पास ज्ञान है तो वो ज्ञान अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जिद्दी बच्चे बन जाते हैं वहां पर जब उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होती। चाहे वो कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई बड़ा भी हो, चाहे बुड्ढा भी हो, तो उसकी ज्यादा जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर, उसके अंदर जिद्दीपन आ जाएगा,
वो किसी की सुनेगा नहीं, सुनेगा तब जब आप उसको उसका आंसर दो। जब आपके पास उसका आंसर ही नहीं है तो वो आपकी बातें क्यों सुनेगा? और फिर आप ये कहेंगे कि मेरा बच्चा जिद्दी है, मेरा बच्चा बिगड़ गया है, मेरा बच्चा मैं बात नहीं मानता। वो बात तब मानेगा जब उसको कुछ दोगे। जब आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, वो आपकी बात क्यों मानेगा? तो ये समाज में अब हो रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर ये देखना चाहिए, बच्चों के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए कि वो मेरे बच्चे जिद्दी है, यह है, ऐसा है, ऐसा है। हमें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हम कितना ज्ञान रखते हैं, कितनी हम उसको दुनिया की बातें बता सकते हैं, कितनी हम राजनीतिक बातें उसको बता सकते हैं, कितना हम सामाजिक बातें उसको बता सकते हैं। तो सारी जितने की जो मेरी परंपराएं हैं, जो मेरे आदर्श हैं, उनके बारे में हम कितना जानते हैं, तो जितना हम जानेंगे उतना ही हम बच्चों को उनको बता पाएंगे। क्योंकि एक परिवार जो होता है वो बच्चों की पाठशाला होता है सबसे प्रथम, सेकंड पाठशाला होता है विद्यालय। तो इस चीज को हर एक को ये समझना होगा, अपने बच्चे ऊपर आकर आप आरोप लगाएंगे कि मेरे बच्चे ही खराब हैं, तो वो और भी जिद्दी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना है। जब हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे तब हम जाके अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। और कोई अच्छा ज्ञान दुनिया में नहीं दे सकता आपके बच्चों को। एक तो है अब वो शिक्षक शिक्षक दे सकता है या आप दे सकते हो, दो ही लोग ज्ञान दे सकते हैं, बाकी दुनिया में और कोई भी ज्ञान नहीं दे पाएगा। ये चीज आप लोगों को मालूम भी होनी चाहिए, और ये मालूम नहीं है आपको, आप इनको इस चीज को इग्नोर कर देंगे तो आपके सामने ये समस्या हमेशा बनी रहेगी कि मेरे बच्चे जिद्दी हैं, मेरा कहना ही नहीं मानते और मेरे बच्चे बहुत ही बिगड़ गए। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।